हेलो नमस्कार डी स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस कैरियर आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी आई इंस्ट्रक्टर की तरफ से 6 जनवरी को एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें इलिजिबल छात्रों की लिस्ट को जारी किया गया था उसमें बहुत से कैंडिडेट को रिजेक्ट भी कर दिया गया था अब देखिए यहाँ पर टोटल आपको पता है कि चौबीस सीट है जिसमें से तैंतीस कुछ कैंडिडेट को इलिजिबल किया था लगभग तैंतीस सीट को उसी में वो डेट दिया था पंद्रह जनवरी तक जिन भी कैंडिडेट का फॉर्म लिस्ट में नाम नहीं था पंद्रह जनवरी दो हज़ार चौबीस तक ठीक है सभी को क्या करना था आयोग पे जाकर लिस्ट अपना वेरीफाई करवाना था अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के पत्र देकर चले आना था तो अब उसी को लिए आज की लेटेस्ट न्यूज़ है ठीक है छात्रों के लिए जिन छात्रों ने वहाँ पे ले जाकर अपनी डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाया था उनका एलिजिबल लिस्ट जारी हो चुका है ठीक है उससे पहले मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आपको तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल ए के फार्म में एलिजिबल छात्र हैं तो आपको क्या करना है सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना उसके बाद आप यहाँ पे आल कोर्स में आएंगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल ए सी आई इंस्ट्रक्टर फुल टेस्ट सीरीज़ इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे आप लोग को टोटल यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिलेगा टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा ठीक है यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज़ के साथ यहाँ पे पी भी आपको मिल जाएगा टोटल यहाँ पे अभी नौ टेस्ट डाला गया है टोटल एग्ज़ाम से पहले पहले दस टेस्ट आपको मिलने वाला है चलिए तो अब नोटिस हम आप लोगों को दिखा देते हैं नोटिस आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि आयोग के साइड पर आ जाए हैं चौबीस जनवरी दो को ये नोटिस जारी की गई है इसमें लिखा गया है साफ साफ सुन लीजिए कि छः तारीख को लिखित परीक्षा के लिए आयोजित जो करवाने था उसमें अर पाए गए अभ्यर्थी की सूची प्रकाशित की गई थी ठीक है और उसके बाद आपत्ति के लिए बुलाया गया था पंद्रह जनवरी दो हज़ार चौबीस तक जिन कैंडिडेट ने जाकर आपत्ति किए थे उसमें एक सौ सोलह अभ्यर्थी की सूची को संलग्न करके आ गया है ठीक है वन टाइम रिलैक्सेशन इनको छूट मिल चुका है तो अब वो लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुका है आपको अपने नाम इसमें चेक कर लेना है ठीक यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आयोग की विज्ञप्ति संख्या छह जनवरी दो हजार चौबीस के अनुक्रम में विभागीय विशेषज्ञों के टीमों द्वारा किए गए परीक्षण के उपरांत पंजीकरण संख्या के सम्मुख ट्रेड व्यवसाय के सापेक्ष लिखित परीक्षा हेतु तो औबंधिक रूप से और पाए गए अभ्यर्थी की सूची यहाँ पे जारी की गई है जैसे यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और ट्रेड का नाम दिया हुआ है तो आप लोग अपना ट्रेड नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर लीजिएगा देखिए अभी भी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं लग मान के चलिए कि तैंतीस सौ चार कैंडिडेट थे तो इसमें एक सौ सोलह कैंडिडेट को और लिस्ट में बढ़ा लिया गया तो टोटल कितना हो जाएगा छः चार दस के सुना असि लगा एक, एक, एक दो और यानी कि चौंतीस सौ बीस कैंडिडेट टोटल अब एलिजिबल हो गए हैं चौबीस सौ छः पोस्ट के लिए तो अभी भी फाइट बहुत कम है आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेस्ट सीरीज़ में आपको सिलेबस वाइज पूरा मिल जाएगा जैसे कि बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं है कि सिलेबस क्या है ठीक है मुझे कॉल करते हैं कि सर मैं फिटर से हूँ तो फिटर भी पढ़ना पड़ेगा मैं इलेक्ट्रीशियन से हूँ तो इलेक्ट्रीशियन पढ़ना पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है आपको सिलेबस पढ़ना है जैसे कि इंप्लाइबिलिटी स्किल से साठ क्वेश्चन तो वो आएगा और उसके बाद जनरल नॉलेज से आपका चालीस क्वेश्चन उसी को ध्यान में रख के टेस्ट सीरीज बनाई गई है टेस्ट सीरीज आप एक बार लगाइए आपको पता चल जाएगा पूरी सिलेबस उसमें डिस्कस की गई है एक एक क्वेश्चन अच्छे से बनाया गया है अगर आप एक भी टेस्ट लगाएंगे ना एक टेस्ट डेमो के रूप में फ्री है तो आप जाकर लगाइए डेमो देखिए कैसा है उसके बाद आप ज्वाइन करिएगा आज के लिए वीडियो में इतना ही यूपी ट्रिपल ट्रिपॉलिसी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन के लिए आई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सक्सेस कैरियर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथ में आप टेलीग्राम चैनल और वा, वा, ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, दे देंगे आज के लिए वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तकली बाय जाएगी